नमस्कार दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। पवई SDOP सौरभ रत्नाकर की अध्यक्षता में बैठक की गई संपन्न। पन्ना जिले के पवई तहसील के थाना परिसर में आज पवई SDOP सौरभ रत्नाकर की अध्यक्षता में आगामी त्योहारों को लेकर हुई शांति समिति की बैठक। सभी समुदाय के लोग रहे उपस्थित। मुस्लिम धर्म से ईद मिलादुन्नबी, जैन धर्म से दक्षिण पर्युषण पर्व का त्योहार एक ही दिन होने के कारण एवं साथ में गणेश चतुर्थी होने के कारण शांति समिति की बैठक की गई। इस बैठक में समाज के सभी धर्म के लोग उपस्थित थे। SDOP सौरभ रत्नाकर ने बताया कि दोनों ही समुदाय के लोगों के जुलूस का समय विभाजन कर दिया गया है, जिससे कि किसी भी समुदाय के लोगों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। बाकी जो कार्यक्रम पहले से होते आए हैं वह पूर्व की भांति ही रहेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। सभा की बैठक संपन्न हुई, इसमें कौन कौन से मुद्दे रहे और ये जुलूस निकालने की समय क्या क्या रहे? आज थाना परिसर पवई में शांति समिति की बैठक ली गई, जिसमें विभिन्न धर्मों के होने वाले आगामी पर्वों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें गणेश उत्सव, ईद मिलादुन्नबी और जैन समाज के पर्युषण पर्व को लेकर चर्चा की गई। सभी के जुलूस का क्या रूप रहेगा, किस प्रकार के प्रोग्राम होंगे, ये उनसे जाना, साथ ही उनके क्या सुझाव हैं उनको लिया गया और किस प्रकार हमारी व्यवस्था की जाएगी, तो इस संबंध में एक रूट मैप तैयार किया गया, विभिन्न विभागों से समन्वय कर स्थापित कर आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से जो है संपन्न कराया जाएगा। उनका सर समय चेंज रहेगा या एक ही समय पर तीनों कार्यक्रम? सभी की टाइमिंग अलग अलग है और सभी से रूट लेके सभी समुदाय के प्रमुख से बात करके अलग अलग टाइम पे सभी के जुलूस की व्यवस्था कराई जाएगी।